इनकी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी, ये जो आज इनका घमंड है ये सारा चूर चूर हो जाएगा। फिर तो 5 साल को बाद जाएगी और 5 साल में तो ये इतनी बर्बादी कर देगा कि आप अंदाज भी नहीं कर सकते। मैं पिछले 3-4 दिनों से बीमार हूँ और अस्पताल में भर्ती हूँ, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर और मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। 22 फरवरी की सुबह 10:25 पर यह ट्वीट किया गया है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के द्वारा। इस ट्वीट से ही लग रहा है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ कितने गुस्से में हैं और इस छापेमारी से आहत हैं। दरअसल सीबीआई ने आज सुबह से ही मलिक के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी दिल्ली में उनके घर के अलावा 29 अलग अन्य ठिकानों पर भी की गई। सीबीआई की ये कार्रवाई कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में करप्शन को लेकर की गई है। गवर्नर रहने के दौरान उन्होंने ये दावा किया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश दी गई थी। क्या है पूरा मामला? जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर ने 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें राज्यपाल रहते करोड़ों की रिश्वत ऑफर हुई थी। उस दौरान उनके पास 2 फाइलें आई थी, इनमें एक बड़े उद्योगपति और दूसरी महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे एक बड़े व्यक्ति की थी। मलिक ने कहा था कि उनके सचिवों ने बताया कि इसमें घोटाला है, इसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दी थी। मलिक ने दावा किया था कि उन्हें दोनों फाइलों के लिए 150-150 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की गई थी। तब मलिक ने कहा कि मैं 5 कुर्ते पैजामे के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। जब सीबीआई पूछेगी तो मैं ऑफर देने वालों के नाम भी बता दूंगा। सीबीआई ने 2 अलग-अलग मामलों में दर्ज की FIR। मलिक के बयान के बाद सीबीआई ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की थी। पहली FIR लगभग 60 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जारी करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। ये रकम 2017 से 18 में जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर ली गई थी। दूसरी FIR 2019 में एक निजी फर्म को कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिविल वर्क के लिए 2200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार से जुड़ी है। सीबीआई इन दोनों मामलों की जाँच कर रही है। मलिक और मोदी में क्यों खिंची तलवार? इनकी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी, ये जो आज इनका घमंड है ये सारा चूर चूर हो जाएगा। फिर तो 5 साल को बाद जाएगी और 5 साल में तो ये इतनी बर्बादी कर देगा कि आप अंदाज भी नहीं कर सकते। इनकी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी, ये जो आज इनका घमंड है ये सारा चूर चूर हो जाएगा। फिर तो 5 साल को बाद जाएगी और 5 साल में तो ये इतनी बर्बादी कर देगा कि आप अंदाज भी नहीं कर सकते। पिछले साल राजनीतिक गलियारों में एक इंटरव्यू को लेकर वो खूब चर्चा में आए। ये इंटरव्यू 4 राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने न्यूज वेबसाइट द वायर के वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को दिया था। इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि ये खबर देश के बड़े अखबारों और मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब सी रही, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसके सहारे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में जुटी रहीं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता और कई अहम पदों पर आसीन रहे किसी शख्स ने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला था। मलिक के इन आरोपों पर अब तक बीजेपी ने किसी तरह की कोई सफाई नहीं दी। ये पहली बार नहीं था जब सत्यपाल मलिक के बयानों को लेकर हंगामा हुआ था। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए जब उनके बयानों से उनकी ही पार्टी यानी बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कभी पहलवानों के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बहाने तो कभी किसान आंदोलन के बहाने सत्यपाल मलिक मोदी सरकार पर हमला करते ही रहे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सत्यपाल मलिक ऐसा क्यों करते हैं, वो भी ऐसी पार्टी के खिलाफ जिसने उन्हें न सिर्फ लोकसभा का टिकट दिया बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर 4 राज्यों के राज्यपाल का पद तक दिया। क्या इसमें मलिक के राजनीतिक हित जुड़े हैं?
उनके बयानों में कितना वजन है। वे अपने पीछे जिस जाट समाज और किसानों के समर्थन का दावा करते हैं, आखिर वो सब उनके दावों को किस तरह देखते हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले ये समझा जाए कि सत्यपाल मलिक कौन है। मलिक के 50 साल लंबे सियासी सफर पर अगर नजर डालेंगे तो इन सवालों के जवाब तलाशना आसान हो जाएगा। कौन है सत्यपाल मलिक? मलिक का जन्म उत्तर प्रदेश में बागपत के हिसावदा गांव में 24 जुलाई 1946 को हुआ था। वे बताते हैं कि वो 2 साल की उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था। सत्यपाल मलिक खुद को लोहियावादी बताते हैं। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर उन्होंने छात्र नेता के रूप में मेरठ कॉलेज छात्र संघ से ही शुरुआत की। बताया जाता है कि मलिक को राजनीति में लाने वाले चौधरी चरण सिंह थे। उन्होंने 1974 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल की टिकट पर बागपत विधानसभा का चुनाव लड़ा और महज 28 साल की उम्र में विधानसभा जा पहुंचे। 1980 में लोकदल पार्टी से राज्यसभा पहुंचे, लेकिन 4 साल बाद ही उन्होंने उस कांग्रेस का दामन थाम लिया जिसके शासनकाल में लगी इमरजेंसी का विरोध करने पर वो जेल गए थे। 1987 में राजीव गांधी पर बोफर्स घोटाले का आरोप लगा जिसके खिलाफ वीपी सिंह ने मोर्चा खोला, तो इसमें सत्यपाल मलिक भी कूद पड़े। यहां से उन्होंने कांग्रेस छोड़ जन मोर्चा पार्टी बनाई जो साल 1988 में जनता दल में मिल गई। 1989 में सत्यपाल मलिक अलीगढ़ से सांसद बने। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अलीगढ़ से चुनाव लड़े और हारे। 2004 में बीजेपी में शामिल हुए और बागपत से चुनाव हारे। 2012 में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। 2017 में मलिक बिहार के राज्यपाल बने। 2018 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने। 2019 में गोवा के राज्यपाल बने। 2020 में मेघालय के राज्यपाल बने। और इस तरह सत्यपाल मलिक यहां से वहां भटकते रहे, ना तो कभी किसी एक पार्टी में टिके और ना ही किसी एक जगह से टिककर चुनाव लड़ा। लेकिन खास बात यह है कि सत्यपाल मलिक के कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग हुई, जिसके बाद राज्य का सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आ गया था। इसी दौरान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, लेकिन तब से ही वो लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि मोदी और मलिक के बीच ये टकराव उनके राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक नहीं है। निजी तौर पर मलिक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और शायद अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।